बाहर की सभी आवाजों से अपने ध्यान को हटाए और अपने आप को आत्मा निश्चय करें। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। एक सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकती हूं। अपने मन को डायरेक्शन दे, मन मना भव। और अनुभव करे अपने आप को अपने शांति धाम में। अपने प्यारे बाबा के सम्मुख शांति का सागर मेरे सामने है। उसकी शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही है। मुझे शांति से चार्ज कर रही है। मेरा मन एकदम शांत है। बाबा की ये किरणें मुझे भरपूरता का अनुभव करा रही है। मुझे भगवान मिल गया है। मैं तृप्त आत्मा हूं। मेरी सभी मनोकामनाएं बाबा ने पूर्ण कर दी है। इसीलिए मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जैसे शिव बाबा निष्काम सेवाधारी है, किसी से कोई कामना नहीं रखता है, सिर्फ दाता बनकर देता जाता है,
वैसे ही मैं दाता का बच्चा मास्टर दाता हूं। अंदर से भरपूर हूं, इसीलिए बिना अपेक्षा के निस्वार्थ भावना से हर एक को कुछ न कुछ दान देता जाता हूं। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, मैं सिर्फ बाबा से लेता और दूसरों को देता जाता हूं। मैं मास्टर दाता हूं। यही मेरा यादगार मंदिरों में पूजा जाता है। याद करें, आज भी मंदिरों में मेरी वो मूर्ति के सामने कितने असंख्य भक्त आते हैं। हर एक की कोई न कोई मनोकामना रहती है। मेरी मूर्ति के एक दर्शन से उनकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। यही मेरा मास्टर दाता का स्वरूप है, कि जो भी मेरे सम्मुख आए उसे कुछ न कुछ मुझे प्राप्ति करानी है। हर एक आत्मा जो मेरे सामने आए उसे मुझे शांति, सुख, निस्वार्थ प्यार या किसी न किसी गुण का अनुभव जरूर कराना है। मुझे सिर्फ देते जाना है, क्योंकि मैं अंदर से भरपूर हूं, संतुष्ट हूं। अगर मेरी जड़ मूर्ति आज भी भक्तों को कुछ न कुछ प्राप्तियां कराती है, तो मैं चैतन्य आत्मा मास्टर दाता बन हर एक आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति करा सकता हूं। बाबा के सानिध्य में मैं अपने आप को याद दिलाता हूं कि मैं दाता का बच्चा मास्टर दाता हूं।
इसी स्मृति के साथ अब मैं परमधाम से साकार शरीर में लौट आता हूं। तो आज सारा दिन यही स्वमान में स्थित रहेंगे कि मैं मास्टर दाता हूं। मेरा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म किसी न किसी को प्राप्ति की अनुभूति कराए, यही मेरा मास्टर दाता स्वरूप है। मैं मास्टर दाता हूं। शांति।